पाक ही में हो रही है आंसुओं की बारिश। आपको पता है यहाँ पर अंजुमन का डेड सीन फिल्माया जाना था। अब अंजुमन बेचारे लाश बने लेटे हुए थे, लेकिन कोई ऐसा था जो इतना रो रहा था कि अंजुमन बेचारे को वहाँ से उठना पड़ा और फिर उसे चुप कराना पड़ा। आपको पता है ये कौन था? देखिए स्टोरी में। आंखों के जरिए बहे किसी के इमोशंस, रो रो कर हो गया किसी का हाल बेहाल। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये नजारा है राठौर मेंशन का, जहाँ अंशुमन की माँ अनुजा यानी अनीता राज के आंसू रोके नहीं रुक रहे। दरअसल यहाँ अंशुमन का डेथ सीन शूट किया जा रहा था, जहाँ अपने बेटे की मौत पर इस माँ को बहाने थे आंसू। और इस सीक्वेंस को शूट करते वक्त वो इस मोमेंट में इस कदर डूब गई कि रियल लाइफ के साथ साथ रियल लाइफ में भी बुरी तरह रोने लगी। आपको पता है कि क्या ट्रेजेडी हुई है, तो ऐसे माहौल में तो सिर्फ आंसू ही निकलते हैं। सो या सुबह से आज यही माहौल है रोने धोने का, और बाकी देखिए आप। इनको यूं रोता देख खुद लाश बने अंशुमन भी उठकर उन्हें चुप कराने लगे। डायरेक्टर साहब को भी डायरेक्शन छोड़ इनके आंसू पोंछने पड़े। और तो और, शूटिंग को भी कुछ टाइम के लिए टाल दिया गया ताकि वो नॉर्मल हो सके। ऐसे जो सीन्स होते हैं ना, वो आपको वैसे इमोशनल कर देते हैं। कोई हादसे ऐसे होते हैं जो आप कभी उनको भुला नहीं पाते, तो आई थिंक यू रिलेट दैट टू योर टू व्हाट इज हैपनिंग, तो आ ही जाता है ना। मेरे कोस्टार हैं तो ऑब्वियसली उनको लगा के, इसलिए ऐसे और कोई बात नहीं थी। अनुजा, आपके इमोशंस की हम कद्र करते हैं, लेकिन ये तो ग्लैमर की दुनिया है और यहाँ इमोशंस सिर्फ कैमरा पर ही अच्छे नजर आते हैं। खैर, आप सब तो जानते ही हैं कि शो में अंशुमन बाकी और घर वालों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर दूर जा चुके हैं, लेकिन आर्यमान बनकर वो अब भी शो का हिस्सा बने रहेंगे। इसलिए इकबाल अपने इस डेथ सीन को लेकर बिल्कुल भी अपसेट नजर नहीं आए। और तो और, डेड बॉडी होने के बावजूद वो खुद ही चीजों को डायरेक्ट करते दिखे।